भारद्वाज ऋषि रहते हैं। यह स्थान तिब्बत द्वारा संबाला की रहस्यमय भूमि के रूप में भी प्रतिष्ठित है। एक अन्य परंपरा के अनुसार सिद्ध आश्रम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत के पास स्थित है। इस प्राचीन अलौकिक भूमि का उल्लेख चार वेदों के साथ कई प्राचीन शास्त्रों में किया गया है। आध्यात्मिक यात्रा में सिद्धाश्रम को एक दिव्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। यह भी माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में अपने दिव्य कार्यों का निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक रूप से सशक्त योगी सिद्धाश्रम के संपर्क में रहते हैं और वो नियमित रूप से यहाँ जाते हैं। सिद्ध आश्रम को आध्यात्मिक चेतना, दिव्यता के केंद्र और महान विश्वों की वैराग्य भूमि का आधार माना जाता है। सिद्ध आश्रम मानव और सभी दृश्य और अदृश्य प्राणियों के लिए समान रूप से दुर्लभ है। यहाँ पहुँचने का एक ही माध्यम है कठिन साधना। साधना पथ पर चलकर इस दुर्लभ और पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए दिव्य शक्ति प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति साधना में उच्च स्तर तक पहुंचता है वो गुरु के आशीर्वाद से रहस्यमय सिद्धाश्रम पहुंच सकता है। सिद्ध योगी और सन्यासी हजारों वर्षों से स्थान पर ध्यान कर रहे हैं। विभिन्न धर्मों में वर्णित इस रहस्यमय स्थान को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। एक अनुभव है और केवल ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता के मार्ग से इस स्थान का अनुभव किया जा सकता है। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस स्थान की बात की थी। उन्हें बचपन में कुछ समय के लिए यहाँ ले जाया गया था और उन्होंने लंबे समय तक ज्ञान गुंज आश्रम में अपनी साधना की। सनातन धर्म में कई लोग मानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कनाड, पुलस्त्य, श्रीमद् शंकराचार्य, कृपाचार्य को भौतिक रूप से यहाँ देखा गया है और किसी को भी उनके उपदेश सुनने का सौभाग्य यही प्राप्त हो सकता है। इस जगह का शब्दों में वर्णन करना असंभव है। हर तरफ हरियाली, बगीचे में सुंदर फूल, पेड़, पक्षी, सिद्ध योग झील, ध्यान करने वाले संत और अद्भुत शांति। सिद्ध आश्रम को कईयों ने मैप पर ढूंढने की कोशिश की और कईयों ने गूगल मैप पर ढूंढने की कोशिश की पर असफल रहे। सिद्ध आश्रम एक अलग आयाम में मौजूद है। ये भौतिक आयाम नहीं है, एक अलग समय बुलबुले में मौजूद है, जिसका अर्थ है कि जब आप वास्तव में इसे दर्श करते हैं तो आप एक ऐसी अवधि में यात्रा कर रहे होते हैं जब पृथ्वी हिमालय में निवास नहीं करती थी, यानी टाइम ट्रैवल। तो अगर आप सिद्धाश्रम का अनुभव करना चाहते हैं तो ध्यान में लग जाइए। मिलेंगे अगले सोमवार, तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा की तरह जपते रहिए। हर हर महादेव। ऐसे ही नहीं देवभूमि कही जाती है। यहाँ ऐसे ऐसे तपस्वी ऋषि मुनि वैज्ञानिक हुए हैं जिनके द्वारा खोजे गए विज्ञान को आधार मानकर ही आज का विज्ञान खड़ा है। यहाँ ऐसे ऐसे रहस्यमय स्थान हैं और ऐसे ऐसे तपस्वी हैं कि आज का आधुनिक मनुष्य ना तो वहाँ पहुँच सकता है और ना ही ऐसे तपस्वियों के दर्शन कर सकता है। केवल वह तपस्वी ही अपनी स्वेच्छा से जिसे चाहते हैं दर्शन देते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक सिद्ध ऋषि के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी स्वेच्छा से कहीं भी आ जा सकते थे और वह हिमालय स्थित सिद्धाश्रम व ज्ञानगंज भी आया जाया करते थे, जिनके बारे में आज का विज्ञान भी शोध कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेंद्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। कुछ दिन पहले पिछले एक वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि स्वामी विशुद्धानंद के विषय में विस्तार से बताएंगे, तो चलिए जानते हैं स्वामी विशुद्धानंद के बारे में।
मित्रों, ऐसे महापुरुष की जीवनी प्रस्तुत करना मेरे जैसे साधारण मनुष्य के लिए सहज नहीं है, जिनकी ख्याति पूरे विश्व में सूर्य विज्ञान के प्रणेता के रूप में फैली हुई है। योग और विज्ञान दोनों ही विषयों में पारंगत इन विलक्षण महापुरुष के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। प्रकृति, काल व स्थान सब उनकी इच्छा शक्ति के अनुचर थे। विज्ञान के क्षेत्र में इनकी उपलब्धि इतनी असाधारण थी कि सूर्य की किरणों को एक कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा रुमाल, रुई आदि पर संकेंद्रित करके वह मनोवांछित धातुओं, मणियों तथा अन्य पदार्थों का सृजन करने में समर्थ थे। एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित करना उनके बाएं हाथ का खेल था। यह सब इन्होंने हिमालय के एक दिव्य आश्रम ज्ञानगंज में 12 वर्षों के अध्ययन के उपरांत सीखा था। उस समय उनके दीक्षा गुरु स्वामी भृगुराम देव की आयु 500 वर्ष से अधिक व दादा गुरु महात्मा जी महाराज की आयु 1300 वर्षों के आसपास मानी जाती थी। हिमालय स्थित सिद्धाश्रम में हजारों तपस्वी सृष्टि के गूढ़ रहस्यों पर शोधरत है तथा यहाँ विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान इतने उच्च स्तर पर आविष्कृत है कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ के महान वैज्ञानिकों का मानना है कि योग बल से कोई भी निर्जीव वस्तु या सजीव प्राणी प्रकट किया जा सकता है। स्वामी जी के अनुसार ज्ञानगंज में अपने नाम के अनुरूप सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, वायु विज्ञान, स्वर विज्ञान, शब्द विज्ञान व क्षण विज्ञान जैसी अनेकों धाराओं पर गहन शोध कार्य चल रहा है। इस आश्रम की एक विलक्षणता यह है कि यह एक विशेष आयाम पर तिब्बत के आसपास इस प्रकार गुप्त रूप से स्थापित व संचालित है कि कोई भी साधारण मनुष्य अपनी इच्छा से यहाँ नहीं जा सकता। जिसका चयन होता है वही यहाँ तक महागुरुओं की इच्छा से पहुँच सकता है। अपनी सिद्धियों के संबंध में स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा था कि बचपन में मुझे विभूतियों की बात पर विश्वास नहीं था, इस विषय में शास्त्रों में जो लिखा उसे काल्पनिक कहानी समझता था, परंतु ज्ञानगंज जाने पर देखा कि वहाँ सब कुछ विचित्र ही है। वहाँ जैसे कोई मायापुरी हो, वहाँ क्या होता है और क्या नहीं इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वहाँ मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे। उन सिद्धियों को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प मन में पैदा हुआ और जब कठिन तप करके वहाँ सिद्धियाँ मुझे प्राप्त हो गई, तब लोगों को दिखाने का चाव लगा। बहुत कुछ मैंने दिखाया भी इसलिए कि उन्हें देखकर लोगों के मन में यह विश्वास जगे कि हमारे शास्त्र सत्य हैं। जो लोग स्वामी विशुद्धानंद जी के संपर्क में आए उनके चमत्कारों व शक्तियों को देखकर मन में श्रद्धा विश्वास लेकर लौटे। स्वामी विशुद्धानंद जी को भारत की जनता अनेक नामों से जैसे काली कमली वाले बाबा, गंध बाबा आदि के नाम से जानती है। स्वामी जी ने अंग्रेजों से प्रताड़ित निराश भारत के मन में आशा व उत्साह का एक नया दीप जलाया, जिसे भारत पुनः अपने ज्ञान विज्ञान योग एवं तप साधना के द्वारा पूरे विश्व में जगत गुरु के रूप में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। मित्रों, इस दिव्य शहर के विषय में एक ऐसी घटना है जिसने विज्ञान तक को हैरान कर दिया। मित्रों, एक बार इनके गुरु जी भृगुराम परमहंस जी ने उनको ज्ञानगंज से पत्र लिखकर सूचित किया था कि विशुद्धानंद, तुमने जो वर्तमान समय में शिष्य किए हैं उन सबका निरीक्षण मैं प्रतिदिन करता हूँ, सबके घर जाता हूँ, मैं सबको देखता हूँ। तुम्हें इन लोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे 697 शिष्यों में से 432 श्रेष्ठ हैं। उनको 4 वर्षों में सब कुछ प्रत्यक्ष होगा और सिद्धि लाभ होगा। कहा जाता है कि स्वामी जी जब किसी को शिष्य बनाते थे तो सबसे पहले ज्ञानगंज से स्वीकृति आती थी। एक बार देश धर्म और समाज की दुर्दशा देखकर शिष्यों ने अपनी निराशा बाबा के सम्मुख व्यक्त की। इस पर उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे मंगल की ओर बढ़ रहे हैं। हिंदू धर्म का लोप कभी नहीं होगा। जो लोग इसका विनाश करने का प्रयास करेंगे उनका ही सर्वनाश होगा। कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में उन्होंने 5 वर्ष पूर्व ही बता दिया था। उनका कहना था कि एक बड़ा युद्ध होने वाला है जिसमें अंग्रेज शामिल हो जाएंगे। उस समय अंग्रेज हमें झूठी बातों से ठगने की कोशिश करेंगे। ऐसा हुआ भी,
आप सभी को मालूम होगा कि कांग्रेस की सहानुभूति और सहायता पाने के लिए अंग्रेज बहुत से अच्छे प्रस्ताव लेकर भारत आए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों की दृष्टि देश, समाज व पूरे विश्व की हलचलों पर लगी रहती है। सिद्धाश्रम में कठिन तप करते हुए वे समस्त सृष्टि का अवलोकन करते हैं और समय समय पर अपनी कृपा दृष्टि से समस्त मानव जाति का कल्याण करते हैं। सिद्धाश्रम के विषय में आज का विज्ञान भी गहन शोध कर रहा है। आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ज्ञानगंज हमारी दुनिया में मौजूद एक ऐसा दिव्य स्थान जहां हजारों वर्षों से बड़े बड़े ऋषि मुनि और उन्नत सिद्ध संत तपस्या कर रहे हैं, जहां समय का प्रभाव नहीं होता और अमर होने का राज भी इसी स्थान में छुपा हुआ है, जहां ऐसी झील मौजूद है जिसमें डुबकी लगाने से आपके सारे रोग तुरंत नष्ट हो जाते हैं, जहां कल्प वृक्ष भी है जिसके सामने खड़े होकर जो मांगा जाए वो हमें तत्काल मिल जाता है। एक ऐसा दिव्य स्थान जहां बेहद खूबसूरत अप्सराएं देवताओं के साथ आती जाती हैं। रामायण, महाभारत और वेद पुराणों में इस स्थान का जिक्र मिलता है और लगभग सभी साधकों का ये सपना होता है कि वो कभी इस स्थान का दर्शन कर पाए। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम ज्ञानगंज के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ज्ञानगंज को सिद्धाश्रम, शंभाला, शांग्रीला, इंद्र भवन और न जाने कितने ही नामों से जाना जाता है। कहा जाता है ये स्थान बड़े बड़े योगियों की तपोभूमि है और इसका निर्माण भी उनकी शक्तियों से हुआ है। ये दिव्य स्थान चौथे आयाम में मौजूद है, लेकिन इसमें स्थूल होने की क्षमता भी मौजूद है। जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपने विकास क्रम में आगे बढ़ते हुए एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जब उसका एकमात्र लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति और जन कल्याण होता है, तब उसकी आध्यात्मिक उन्नति तेजी से होती है और जब व्यक्ति साधना शक्ति से चौथे आयाम में पहुंच जाता है तब वो इस दिव्य स्थान के दर्शन कर सकता है। दोस्तों, इस आश्रम को कैलाश पर्वत और मानसरोवर के पास स्थित माना जाता है। ये किसी भी सैटेलाइट या व्यक्ति की दृष्टि से अज्ञात ही रहता है, लेकिन जब उस सिद्धाश्रम के निवासी चाहें वो उस स्थान को किसी खास व्यक्ति के लिए प्रकट भी कर सकते हैं। ज्ञानगंज में हवा नहीं होती, ना ही यहाँ चांद या सूर्य की रोशनी है। एक दिव्य सफेद प्रकाश इस स्थान में चारों ओर फैला रहता है। यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ पौधे और फूल मौजूद हैं जिनकी खूबसूरती का वर्णन करना संभव नहीं है। ज्ञानगंज कालजयी माना जाता है। इसका मतलब होता है यहाँ समय का कोई प्रभाव ही नहीं है और यहाँ रहने वाले संतों की उम्र उसी स्थिति में रुक जाती है जिस स्थिति में वो इस आश्रम में प्रवेश करते हैं। इस स्थान में निवास करने वाले भूख और प्यास से मुक्त होते हैं और अपना जीवन पूरी संतुष्टि के साथ व्यतीत करते हैं। यहाँ के योगी उन्नत साधकों को दीक्षा देकर प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण, आकाश विज्ञान और ऐसे ही कुछ बेहद उन्नत विज्ञानों का प्रशिक्षण साधकों को दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के बाद साधकों के पास बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियाँ आ जाती हैं, जिससे वो चाहें तो पूरे ब्रह्मांड को ही नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात का छोटा सा उदाहरण है राम के पुत्र लव और कुश, जिन्हें कुछ महीनों के लिए ज्ञानगंज के सिद्ध संत महावतार बाबा जी ने प्रशिक्षण दिया था और उस प्रशिक्षण के बल पर उन्होंने बड़े बड़े दिव्य पुरुषों को पराजित कर दिया था। इस स्थान में एक से बढ़कर एक चमत्कारी यंत्र भी पाए जाते हैं। कहा
कहा जाता है वहाँ एक ऐसा यंत्र भी मौजूद है जो अगर किसी के घर में स्थापित कर दिया जाए तो उसके घर में किसी की मृत्यु नहीं होगी। यहाँ ऐसे ऐसे सिद्ध वैद्य भी मौजूद है जो अपनी जड़ी बूटियों के चमत्कारी ज्ञान से किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करके व्यक्ति के शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिव्य आश्रम में प्रवेश मिलना लाखों योगियों में से किसी एक की किस्मत में होता है। ज्यादातर लोग जो ज्ञानगंज जाते हैं उनका इस भौतिक संसार में आने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संत जरूर हुए हैं जो ज्ञानगंज से वापस जन कल्याण के लिए आए हैं। परम संत विशुद्धानंद जी ज्ञानगंज जाकर 12 वर्षों तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बनारस में आकर बस गए थे। उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों लोगों को आत्मज्ञान उपलब्ध करवाया और ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए जिनके चश्मदीद हजारों में है। इनके अलावा पंडित गोपीनाथ कविराज, कई उन्नत बौद्ध संत और लगभग 50 से ज्यादा ऐसे संत थे जो ज्ञानगंज में रहकर हमारे बीच वापस लौट आए। परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में इस स्थान का वर्णन किया है। नारायण दत्त श्रीमाली जी और उनके गुरु श्री निखिलेश्वरानंद जी इस आश्रम में समय व्यतीत कर चुके हैं। 12 वर्ष की उम्र में जब जीसस जेरूसलेम से गायब हुए थे तब 18 वर्षों तक उनके ज्ञानगंज में रहने की बात कही जाती है। दक्षिण भारत के आध्यात्मिक गुरु श्री एम महावतार बाबा जी के शिष्य महेश्वर नाथ बाबा के शिष्य हैं और उन्होंने भी ज्ञानगंज का दर्शन प्राप्त किया है। उनके अनुसार शिरडी के साईं बाबा आज भी ज्ञानगंज के द्वार पर स्थित रहते हैं। कहा जाता है गौतम बुद्ध ने जाने से पहले दक्षिण भारत में कुछ खास साधकों को उन्नत ज्ञान दिया था। उन साधकों में से एक राजा सुचंद्रा थे जो ज्ञानगंज से आए थे और बुद्ध के वचनों को लिपिबद्ध करके वापस ज्ञानगंज लौट गए थे। दोस्तों, इस दिव्य स्थान को ज्यादातर लोग कल्पना मानते हैं क्योंकि ये इंसानी प्रवृत्ति होती है। जिस चीज को पाने में इंसान समर्थ नहीं होता अथवा जिसके लिए जी तोड़ मेहनत की आवश्यकता होती है उस चीज को नकार कर उसके विपरीत विचारधारा से तादात्म्य जोड़कर लोग खुद को वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति समझ लेते हैं। भले ही उन्हें विज्ञान के बारे में कोई भी ज्ञान ना हो, लेकिन ऐसे साधक जिन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक उन्नति में समर्पित किया होता है उनके जीवन में ना जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं होती हैं जो विज्ञान और साधारण इंसानों की कल्पनाओं से भी परे होती हैं। कुछ लोग इस दिव्य स्थान की खोज में समय की शुरुआत से ही रहे हैं और अक्सर इन्होंने छोटी मोटी सफलताएं भी हासिल की हैं। जेम्स हिल्टन ने लॉस्ट होराइजन नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी ज्ञानगंज की खोज के बारे में वर्णन किया था। लेखक ज्ञानगंज में रहने वाले कुछ सिद्ध संतों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर पाए और साथ ही आशीर्वाद के रूप में उन्हें उन संतों ने कुछ चमत्कारी जड़ी बूटियां भी दी थी। इस किताब के आधार पर हॉलीवुड की एक फिल्म भी बनाई गई है। इस दिव्य स्थान के बारे में लगभग हर आध्यात्मिक गुरु को ज्ञान होता है, भले ही वो इसे सार्वजनिक रूप से बताए या नहीं। सिद्ध आश्रम पहुँचने के लिए आपका उस स्थान से पूर्व जन्म का कोई संबंध होना आवश्यक है या फिर आपको उस गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जो ज्ञानगंज में आते जाते हो या फिर आप जन कल्याण में अपना जीवन समर्पित कर दें और आपको जन कल्याण के लिए कुछ बड़ी शक्तियों की आवश्यकता हो। इन्हीं तीन कारणों की वजह से कोई व्यक्ति ज्ञानगंज जा सकता है। साधना के पथ पर चलने वाले लोग एक ना एक दिन इस दिव्य स्थान को अनुभव जरूर करें। इसी प्रार्थना के साथ हम इस एपिसोड का अंत करते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा
कमेंट में जरूर बताएं। आप चाहें